दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी डीजे हल्ली श्रीनिवासपुरा रोड में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मुत्तु मारियम्मा टेंपल है। जी हाँ दोस्तों, एक टेंपल है। टेंपल के आगे का रोड किस तरह से है, यहाँ की लोगों की जो प्रॉब्लम्स है आपको आज हम सुनाएंगे। भैया ये गली आपको एक बेरवा सिंह जैसा पड़को है। ये गली में कोई पूछताछ नहीं करते है क्या? ना तो यहाँ पानी सीधा ढंग से छोड़ता है, ना तो चैम्बरा पाक होती, ना तो 3 महीने उठा को डाला ली। 3 महीने में कोई उठा पूछ रही नहीं, ना खारा पानी ना मीठा पानी। पानी वाले को बोलो तो भी उन्हें लाखों देता नहीं। मेरी आंखें खराब है, मैं झाको कहाँ से भी पानी नहीं ले लगा सकती। खोदे से तुम्हें लोग बोलो मत जाए, पहली बार बोलो ये खोदे नहीं। अब क्या के 4-5 दिन में बालू सूखती नहीं, मट्टी सूखती नहीं, करके बोलको ये छोड़ल को चले गए सो नहीं। अब पूरा सुखो पूरे गड़े खोड़े ऊंचा लंबा सब हो गए। आदमी जा रही आ रही पाप घिर को बुढ़ा जन पर सुन गिर गए। सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं, हिंदू बहनें हैं, और इन सबको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है आज हम आपको सुनाएंगे। 4-5 महीने से खोद को डाला लिए है, परसों देखे तो हनक्यांग कॉलेज जरा महिला महिला की दिखरा नहीं है। जाकर एकदम लुढ़क को गिरगी में ये सब करे तो पाक करे तो इंसान बड़े बुढ़े सब फिरती करती, उनको ये दुआ लगती है नहीं जल्दी ये कर को दे डाले तो ऐसे भी चीज़ा कैसे कैसे कदमे रहती, मजबूर रहती, जाने वाले रहती, हनक्यांग दिखता नहीं, लंगड़े रहती, चलती फिरती गिर जाती। ये माहौल में कैसा रहना सो बोला, चिकना है तो बारिश आए तो फंस जीती, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जाने के चिकना में गिर को फंस जीती। कैसा के धूप है करके दिखने में चिकना आएगा तो तीती दूर कपड़े ढलक पूरा मुआंग के परोड़ा लग जाना, वैसी हालत का है रोड। हमना खुद बिजार हो जाता है कि हमें कैसा जाना आना, हमना खुद बिजार हो जाता है। बच्चे मासूम बच्चे बड़े बूढ़े बोलो, अब हमारी उम्र 50 साल हो रही है, अब हमें गिर गए, हाथ की हड्डी टूट गई, कौन तो भी हमारा इलाज करके लियो 10 रुपये करके देने वाले, हमें खुद हमें कमाना, हमें खाना, हमारा इलाज हमें कर लेना। ये रोड डाल को दे तो हमना भी तकलीफ नहीं, तुमना भी तकलीफ नहीं, अल्लाह का वास्ता है, डाल को दे डालो रोड। तुम्हें लोग बोलो मत जाए, पहली बार बोलो ये खोदे नहीं। अब क्या के 4-5 दिन में बालू सूखती नहीं, मट्टी सूखती नहीं, करके बोलको ये छोड़ल को चले गए सो नहीं। अब पूरा सुखो पूरे गड़े खोड़े ऊंचा लंबा सब हो गए। आदमी जा रही आ रही पाप घिर को बुढ़ा जन परसों गिर गए, पूरे जने उठा को भेजे मालूम करे, जरा देखो कोशिश करको फौरन सभा से कर डालोगे। तकरीबन 3 महीने से जो है लोग यहाँ पर परेशान हैं, 3 महीने से लोग है, लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई इनकी प्रॉब्लम को सुनने वाला नहीं है। आइए लोगों से बात करते हैं और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। देखिए रोड किस तरह से यहाँ का रोड स्टार्ट हो रहा है। भैया ये गली आपको एक बेरवा सिंह जैसा पड़को है। ये गली में कोई पूछताछ नहीं करते है क्या? ना तो यहाँ पानी सीधा ढंग से छोड़ता है, ना तो चैम्बरा पाक होती, ना तो 3 महीने उठा को डाला ली। 3 महीने में कोई भी उठा पूछ रही नहीं क्या? बड़े आदमियाँ बूढ़े आदमियाँ गिर जा रही हैं, हाथा पावा तोड़ ले रही हैं, हमने सहूलत करको दियो। कितने महीने से खराब है? 3 महीने से तो पड़ी क्या माँ? 3 महीने 3 महीने होगा, कौन भी तो नहीं आ रही यहाँ क्या? अब हमें गरीब आदमियाँ मेहनत पढ़ को खाने वाले क्या, हमें कैसा जीना बताओ? है वाले उन सब अच्छे जी रही, नहीं वाले हमको बिरवा सिंह जैसा बना को छोड़ा ली। एरिया का नाम क्या? एरिया का नाम क्या? डीजे हल्ली। डीजे हल्ली क्या? पूरे यहाँ तकलीफ में चीज़ हो, पानी नहीं है, खारा पानी भी नहीं है, मीठा पानी, उसके पावा पड़ते रहना हमें क्या, उसके दिल में आया तो छोड़ता, दिल में नहीं आया तो नहीं छोड़ता, उन्हें पैसे दिया तो छोड़ता, नहीं तो नहीं छोड़ता, उन्हें पानी का मोहताज करा रहा। और ये चैम्बरा में नल का पानी घुस जाकर बीमारियाँ पैदा हो जा रही, चैम्बरा भी सही नहीं, पैपाम भी सही नहीं क्या? तुम्हें बड़े आदमी 4 आदमियों के हाथ लगे तो ज़रा अच्छा होता। रोड अला गलीजा के दपा इधला वंद पाकरदु इल्लया, इंद मारी इंदा एप्पडी पोरदु वैसानुंग नांगला रोडे सरी इल्लया तगमा इदे वंद नोडी उट्टु पोय वकांदुकनाका
मेले आगता है इन बंद सरी पाइप लाइन ओडदे कुड़ियों नीर मोरदूर मिक्स बरता है मत पाइप लाइन मोरदू ब्लॉक इल चेंबर ब्लॉक ओलगडेल्ला नीर बरता है रोड तुम्हें एमर्जेंसी होते आगता है सर ऐन दयवू मास्कोड़ी सर ये है रोड इसको जो है यहाँ पर खोदा गया है। अब खोदने के बाद इनका ये फर्ज बनता था कि जो है इसको इमीडिएटली बंद करें ताकि आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक मिनट यहाँ पर दिखाइए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो है एक घर है। अब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो यहाँ पे आप गिरोगे क्योंकि यहाँ पर जो है खड्डा बनाया गया। देखिए इनको जो है दो से तीन बार ऐसा बोल रहे हैं। कितने देखो अब वो पेट से बैको उधर में वो भी दो तीन बार गिर गई। हमारा सादे लोग अब पेट से बैको है ना वो गिर गया तो क्या दो जान का खसा है। देखिए कैसा है, देखो ये कितने दो महीने से ऐसा है बाहर जाने नहीं, एक बिंगी लाने नहीं, फिसल के दो तीन बार गिर गई भाई। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि इनके घर में जो है एक प्रेग्नेंट लेडी है। अब प्रेग्नेंट लेडी अगर बाहर आती है तो रोड की कंडीशन देखिए, एक तो छोटी सी रोड है, इस पर से आप अगर खोदते हो तो आपका फर्ज ये बनता था कि इमीडिएटली एक वीक, दो वीक, तीन वीक या कम से कम चार वीक में जो है इस रोड को रेडी कर दिया जाए। लेकिन तकरीबन तीन महीने हो गए आज तक जो है ये रोड रेडी नहीं हुआ है। अगर प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर गिरेगी एक तो उसका डैमेज, गिर गई अच्छा दो तीन बार गिरे गिर गए मेरे को दो तीन बार मार लगाया। देखो ये तो अच्छा हुआ कि उनको कुछ चोट नहीं आई। अगर सोचिए अगर वो गिरती तो उसको भी मार लगता और उसका जो बचा है उसको भी जो है मार लगता। बड़ी अफसोस आता है हमें कि इस तरह से जो है इग्नोर किया जाता है।